हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं एक और बड़ी अपडेट के बारे में, एक और नोटिस के बारे में जो कि दिनांक 20/6 को नेस्ट अथॉरिटीज द्वारा इशू की गई है। और ये नोटिस जो कि है हमें EMRS के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ये जो क्वेरीज सॉल्व करने की प्रक्रिया है, एक जो प्रोसीजर है नेस्ट अथॉरिटीज ने जिसे अपनाया है, वो प्रोसीजर क्या है, कैसे जो की है इन पर्सन मतलब वहां पे आप जा सकोगे, नेस्ट अथॉरिटीज के हाई जो ऑफिशियल्स हैं, हायर ऑफिशियल्स हैं, वो कैसे आपकी परेशानी को सुनेंगे, क्या प्रोसीजर है वन ऑन वन बात करने का उनसे, आइए हम ये सब कुछ जानते हैं अपने इस वीडियो में आज ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी कि आप लोग मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बार नोटिस पढ़ के बताती हूँ कि नोटिस एग्जैक्टली कह क्या रहा है। देखिए, इन पर्सन मीटिंग विद नेस्ट ऑफिशियल्स फॉर रिक्रूटमेंट क्वेरीज अंडर जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ 2023 का, ये बेसिकली कह रहा है कि जो भी आप इन पर्सन जो नेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनसे मिल सकेंगे और अपने रिक्रूटमेंट क्वेरीज को जो ये जो प्रोसीजर चल रहा है रिक्रूटमेंट का, उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है, एम्बिग्विटी, आप उसको सॉर्ट आउट कर सकेंगे, आप उसको सॉल्व जो कि कर सकेंगे जो हाई ऑफिशियल्स है, हायर ऑफिशियल्स है नेस्ट के, उनसे मिलने के बाद। तो आइए जानते हैं कि क्या प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप उनसे मिल सकेंगे। देखिए, इन रिस्पॉन्स टू द क्वेरीज रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स विद रिस्पेक्ट टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, नेस्ट हैज implemented a dedicated system aimed at enhancing efficiency and addressing candidature concerns effectively. Now, a dedicated one-hour window for in-person meeting with senior officials of NEST has been established from 2 to 3 p.m. daily on all working days. Appointment must be scheduled in advance and a token number for the day to be sought through our dedicated helpline at, और उन्होंने नंबर प्रोवाइड किया। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड क्वेरी चल रही है, डाउट्स चल रही है, एम्बिग्विटी है जो कैंडिडेट्स हैं उनके मन में, ये सारे डाउट्स एम्बिग्विटीज को सॉल्व करने के लिए नेस्ट ने एक एफिशिएंट और एनहांस्ड एक जो वन ऑन वन पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है वो जो कि प्लान किया है, जिससे कि जो नेस्ट के हायर ऑफिशियल्स होंगे वो डायरेक्टली उन कैंडिडेट से मिल सकेंगे। 2 से 3 बजे का टाइम फिक्स कर दिया गया है, सारे वर्किंग डेज पे वो अवेलेबल है, आप उनसे डायरेक्टली मिल सकते हो और मिलने के बाद आप अपनी क्वेरी उनसे पूछ सकते हो और वहां पे जो कि आप अपनी क्वेरी को रिड्रेस करवा सकते हो, उनसे उसका सोल्यूशन मांग सकते हो। तो देखिए, इन पर्सन मीटिंग तो हो गई भाई सीनियर ऑफिशियल के साथ, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, 2 से 3 बजे तक है, सारे वर्किंग डेज पे हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें और है वो ये है कि आपको जो कि आप डायरेक्टली जाके उनसे मिल नहीं सकते 2 से 3 बजे के बीच में, आपको उसके पहले जो कि है एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आपको जो कि एक स्केड्यूल्ड मीटिंग जो कि है पहले ही फिक्स कर लेनी है, एक एडवांस मीटिंग जो कि है आपको शेड्यूल करवा लेनी है और आपको जो कि है एक टोकन नंबर भी दे दिया जाएगा कि भाई इस टोकन नंबर के हेल्प से जो कि है आपका नंबर जो कि है ये आपका टोकन नंबर है, इस टोकन नंबर को जो कि है इस दिन सुना जाएगा 2 से 3 बजे के बीच में, तो आपको जो कि एडवांस में ही अपनी बुकिंग करवा लेनी है, एडवांस में जो कि आपको अपना नंबर लगा लेना है और उसके बाद आपको बता दिया जाएगा एक टोकन नंबर देके कि इस दिन जो भी वर्किंग डेज है मंडे टू फ्राइडे का, उसके बीच में इस दिन आपका जो टोकन नंबर है वो फॉल कर रहा है और आपको इस दिन आके जो हायर ऑफिशियल्स है नेस्ट के उनसे आपकी मुलाकात हो सकेगी। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने पॉइंट्स पे यहाँ पे नोट करवाने को दे दिए हैं, वो ये है कि कैंडिडेट्स जो की है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट किया गया, आप वॉक इन नहीं कर सकते, मतलब आप डायरेक्टली जाके आप बोलोगे कि मुझे नेस्ट के जो ऑफिसर हैं जो कि क्वेरी सॉल्व करें उनसे मिलना है, तो ये नहीं हो पाएगा, आपको पहले से जो की है एक स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट लेना है और आपको एडवांस में जो कि स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट बुक कर लेना है। अगर आप विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट जाओगे तो आप जो की है वहां पे नेस्ट के ऑफिशियल से नहीं मिल पाओगे। दूसरी चीज है कि आपको जो कि है एक कंप्लीट फॉर्म लाना है। अब आप पूछोगे कंप्लीट फॉर्म, मैम ये फॉर्म कहां से मिलेगा, ये जो नोटिस दी गई है इस नोटिस के साथ ही फॉर्म अटैच किया गया है जहां पे नेम ऑफ द कैंडिडेट क्या है, डेट जो कि नेस्ट ने आपको दिया है, यही जो एडवांस में आपको जो स्लॉट बुक करवाना है वर्क किसी भी वर्किंग डेज में जो फॉल कर सकता है 2 से 3 बजे के बीच में, जिसके लिए आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा, तो वो पूछा जा रहा है कि डेट जो नेस्ट ने आपको दिया है मीटिंग के लिए, टाइमिंग ऑफ द मीटिंग है, वो सब सब आपके टोकन
नंबर पे, जो टोकन नंबर ऑफ द डे है वो टोकन नंबर आपको मेंशन करना है. प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट, जहां पे आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग दी जा रही है वो है. आपका रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर रखा है. 2023 का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, क्या आप अनरिजर्व्ड में है, जनरल अनरिजर्व्ड या जनरल में है, ओबीसी में है, एससी एसटी में, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, आपको वो लिखना है. उसके साथ साथ क्वेरी करके एक काफी बड़ा स्पेस दिया गया है जहां पे आपको अपने प्रॉब्लम को लिखना है जिसके लिए आपको रिड्रेसल चाहिए. इसके साथ साथ फाइल नंबर नीचे दिया हुआ है वो तो नेस्ट अथॉरिटीज भरेंगे, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यानी क्वेरी के बाद जो कि सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट है वो आपकी तरफ से लास्ट स्टेप है, और नीचे जो फाइल नंबर है वो तो नेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भरेंगे वो. तो ये फॉर्म आपको भर के अपने साथ जो कि है ले जाना है. और इसके बाद कि देखिए हर कैंडिडेट जो कि है एक स्लॉट के लिए ही एलिजिबल है. आप एक बार ही अपॉइंटमेंट लगा सकते हो. अब ये नहीं है कि आप रोज रोज जो कि है अपॉइंटमेंट लगा सकोगे. आप एक बार एक कैंडिडेट को एक बार चांस दिया जा रहा है कि आप अपॉइंटमेंट बुक करो, अपना टोकन नंबर लो एडवांस में, और जिस दिन वो टोकन नंबर फॉल कर रहा है जिस टाइम में जिस भी डे के लिए विद इन द वर्किंग आवर्स उस दिन जाके आप हायर नेस्ट ऑफिशियल से मिल सकोगे. उसके साथ साथ बता दिया गया है कि कोई भी चेंज जो पोस्टिंग है, जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको दे दी गई है, या आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे ट्रांसफर चाहिए इस प्लेस से या मुझे अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग चेंज करानी है, इसके रिगार्ड्स में कोई भी आपका जो की है से या फिर कोई भी आपका कह के कि आप कोई इस टॉपिक पे प्रॉब्लम है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा. एंड आपको जो कि कहा जा रहा है कि अगर कोई भी ऐसे कैंडिडेट है जिनको की प्रॉब्लम इस चीज से है कि मुझे अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग को बदलना है या ट्रांसफर को बदल या ट्रांसफर चाहिए मुझे इस प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो ये सब जो की है उनको रेफ्रेन किया जा रहा है कि आप जो कि अपॉइंटमेंट बुक ना करें क्योंकि आपके अपॉइंटमेंट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा. एंड ये जो ट्रांसफर की बात उठ रही है इसके लिए भी डाउट क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो ट्रांसफर है वो सिर्फ जो ट्रांसफर पोर्टल नेस्ट के वेबसाइट पे दिया है वो जो की है सिर्फ उसी के थ्रू होगा आपका ट्रांसफर, और वो जो की है ट्रांसफर पॉलिसी के हिसाब से ही होगा. जब वो लाइव कर दिया जाएगा, ट्रांसफर पोर्टल लाइव किया जाएगा वेबसाइट पे, ट्रांसफर पॉलिसी के हिसाब से जो की है आपका ट्रांसफर होगा, जिसको कि पब्लिश भी कर दिया जाएगा वेबसाइट पे. तो आप अगर ट्रांसफर से रिलेटेड अपनी कंप्लेन लेके जाओगे, प्लेस ऑफ पोस्टिंग से रिलेटेड अपनी कंप्लेन लेके जाओगे, वो नहीं सुना जाएगा. आप डायरेक्ट वॉक इन नहीं कर सकते हो नेस्ट ऑफिशियल से मिलने के लिए. आपको जो की है पहले ही एडवांस में बुकिंग कर लेनी है, और बुकिंग करने के बाद ही जो की है आपको जो टोकन नंबर दिया जाएगा वो जिस दिन के लिए दिया जा रहा है उसी दिन आपको जो की है 2 से 3 बजे तक जाके नेस्ट ऑफिशियल से मिलने की परमिशन दी जाएगी, और आपको साथ ही साथ अपना फॉर्म भर के ले जाना है. ये एक नेस्ट की तरफ से एक आप कह सकते हो कि सिस्टम है जो अडॉप्ट किया जा रहा है ताकि एफिशिएंटली आपके प्रॉब्लम्स को सुना जाए और एक एनहैंस्ड वर्किंग जो की है उस पर की जाए ताकि आपके जो भी क्वेरीज है उसको जो की है प्रॉपर रिड्रेसल मिल सके. तो आई होप कि जो भी ये मतलब आपकी कंसर्न्स थी इस नोटिस को लेके, या जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा होगा इस नोटिस को लेके, वो सब मैंने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया है. अगर आप कैंडिडेट हैं जिनको कि जिन्होंने 2023 में एग्जाम दिया है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग और ट्रांसफर छोड़कर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है प्लीज उस पर कॉल करें, अपनी एडवांस बुकिंग करें, टोकन नंबर लें, और अपने टोकन नंबर के हिसाब से जो डे अपॉइंट जा रहा है उसके आने का वेट करें, अपना फॉर्म भर ले, उसमें सब कुछ कैटेगरी प्लेस ऑफ पोस्टिंग सब कुछ अच्छे से भर के, अपनी क्वेरी, अपना सिग्नेचर, पोस्ट सब कुछ अच्छे से भर के आप ले जाएं. और आई होप कि ये प्रक्रिया जो कि जो नेस्ट ने अडॉप्ट की है उससे आपके जो भी आपके ग्रेवियंसेज है उसका रिड्रेसल जरूर हो जाएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. प्लीज कीप ऑन एक्सटेंडिंग योर लव एंड सपोर्ट टू ज्ञानालय, एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.